राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नए जिलों के गठन की चर्चाओं के साथ ही डीडवाना को जिला बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। जिले की मांग पर डीडवाना के सामाजिक व राजनीतिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। इसी क्रम में आज डीडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में अनेक राजनीतिक और व्यापारिक तथा सामाजिक संगठनों के अलावा अनेक शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। लगभग 5 किलोमीटर तक चली इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए और गहलोत सरकार से डीडवाना को जिला बनाने की मांग की। रैली में शामिल लोग अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए चल रहे थे। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पश्चात आम सभा हुई, जिसमें अनेक वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि डीडवाना जिला बनने वाले शहरों की सूची में सबसे आगे है। डीडवाना जिला बनने की संपूर्ण योग्यता रखता है। नागौर जिले में अगर कोई जिला बनने के योग्य है तो वह केवल डीडवाना है। डीडवाना हर दृष्टि से जिला बनने के योग्य है। डीडवाना की भौगोलिक स्थिति, मौजूदा प्रशासनिक ढांचा, उपलब्ध कार्यालय और संसाधनों को देखते हुए डीडवाना जिला बनने का प्रमुख दावेदार है। उन्होंने कहा कि डीडवाना को जिला बनाने की यह मुहिम हम सब लोग सामूहिक रूप से जारी रखेंगे और उम्मीद है कि राज्य सरकार डीडवाना को उसका हक और अधिकार देकर डीडवाना को जल्द ही जिला घोषित करेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार इस बजट में राजस्थान में नए जिलों की घोषणा कर सकती है। नए जिलों की फहरिस्त में नागौर जिले से डीडवाना प्रमुख दावेदार है। डीडवाना को जिला बनाने की मांग भी 3 दशक से ज्यादा पुरानी है। पूर्व में गठित परमेश्वर चंद कमेटी और संधु कमेटी के अलावा राजस्व मंडल और तत्कालीन नागौर जिला कलेक्टर भी डीडवाना को जिला बनाने की अनुशंसा कर चुके हैं। इस बार भी रिटायर्ड IAS रामभुवैया कमेटी द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में डीडवाना को ही नया जिला बनाने की संभावना जताई जा रही है। हमारी लगभग 30 वर्षों से डीडवाना को जिला बनाने की जो मांग चल रही है और डीडवाना लगातार इसमें प्रोग्रेस करता रहा। इस बार सरकार का मानस है कि कुछ नए जिले बनाए जाए, तो आज डीडवाना में सर्व समाज की और सभी लोगों की सहयोग लेकर एक गैर राजनीतिक रैली निकाली गई और उसमें हमने सरकार को साफ साफ संकेत दिया कि अगर कोई जिला बनेगा तो डीडवाना जिला बनना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। अब अगला कदम क्या रहेगा? हमारा ये बजट तक जो हमारा आंदोलन चल रहा है ये अनवरत जारी रहेगा और देखते हैं आज बैठ के बात होगी कि आगे के लिए हम क्या रणनीति तैयार करते हैं।